सिमरनजीत सिंह मान संगरूर तो जिते सांसद बने तो हुण बहुत सारे मीडिया चैनल्स के उत्ते खबर चल रही है कि सिमरनजीत सिंह मान ने बयान दिता है कि जेकर उन्होंने कृपान जाने कि श्री साहिब संसद विच ले जाण तो रोकया गया मना किया गया इनकार किया गया तो वह सहु नहीं चुकणगे तो तुहानू इस खबर की पूरी सच्चाई दसदा कि आखिर मामला की है तो की वाकई ही सिमरनजीत सिंह मान ने अजिहा बयान दिता भी है ज नहीं दिता तो दस दिए कि 1999 जदों सिमरनजीत सिंह मान तरन तारण तो सब तो वध वोटां दे रिकॉर्ड नाल जिते सन उस वेले उन्होंने जरूर इनकार कर दिता सीगा कि उदों श्री साहिब अंदर ले जाण तो संसद दे विच रोकया गया पार्लीमेंट दे विच रोकया गया तो इस करके वह पार्लीमेंट दे विच गए नहीं सीगे ते हुण जदों तीजी वार वह संसद वजों जिते ने पहली बार तरन तारण तो दूजी बार संगरूर तो तीजी बार मुड़ तो संगरूर तो यह बयान जिहड़ा है उन्हां दा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया से भी कि सिमरनजीत सिंह मान ने यह कह दिता है कि वह कृपान तो बिना श्री साहिब तो बिना सहु नहीं चुकणगे। दस दिए कि सिमरनजीत सिंह मान सहु चुकण लई दिल्ली जा रहे सीगे रस्ते दे विच गए तो रस्ते दे विच करनाल दे विच जाके उन्होंने मीडिया दे नाल गलबात की मीडिया के वल्लों सवाल पूछे गए तो इस दौरान उन्होंने यह गल पूछी गई कि की तुसी जेकर तुहानू इस वार भी कृपान ले जाण तो रोकया गया पार्लीमेंट दे विच तां तुसी सहु चुकोगे जां नहीं। जिस दे विच सिमरनजीत सिंह मान ने जवाब दिता कि देश दे विच मोदी सरकार है ते हालांकि संविधान की धारा 25 दे मुताबक उन्हां कोल हक है कि वह अपने धार्मिक चिन्ह जिहड़े ने अंदर ले जा सकते ने पर उन्हां नू जेकर रोकया जांदा तां इह सरकार ते निर्भर है। उन्हां ने किते वी अजिहा नहीं किहा हैगा कि उह श्री साहब लेके जाएंगे तो श्री साहब जेकर नहीं ले जाई गई तो वह सहु नहीं चुकणगे। तो उन्होंने जिहड़ा रिएक्शन सीगा इस सवाल का जवाब सीगा वह भी सुना दिंदे आ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहली बार आपने संसदीय छोड़ भी दी गई थी क्योंकि कृपान लेकर नहीं जाने दिया गया था, इस बार आपका क्या रहेगा अगर इस तरीके की बात रखी जाती है तो? देखिए ये बात ये है कि हम हिंदू मजॉरिटेरियन स्टेट में रह रहे हैं और इंडिया में हिंदू का राज है पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख कृपान पहन भी सकता है जी और कैरी भी कर सकता है। भले आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है जी, आप हिंदू मेजोरिटी के ऊपर निर्भर है बैठ जाइए कि हमको ये जो हमारा राइट है जी, इसको एक्सरसाइज करने देंगे कि नहीं करने देंगे जी, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं कि एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपान लेके जाने का कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहली बार आपने संसदीय छोड़ भी दी गई थी क्योंकि कृपान लेकर नहीं जाने दिया गया था, इस बार आपका क्या रहेगा अगर इस तरीके की बात रखी जाती है तो? देखिए ये बात ये है कि हम हिंदू मजॉरिटेरियन स्टेट में रह रहे हैं और इंडिया में हिंदू का राज है पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख कृपान पहन भी सकता है जी और कैरी भी कर सकता है। भले आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है जी, आप हिंदू मेजोरिटी के ऊपर निर्भर है बैठ जाइए कि हमको ये जो हमारा राइट है जी, इसको एक्सरसाइज करने देंगे कि नहीं करने देंगे जी, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं कि एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपान लेके जाने का कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे।
सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहली बार आपने